इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, दिस इज योर फर्स्ट इवनिंग क्लास, सो यू ऑल आर वेरी कंफ्यूज्ड, तो थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा। मैं अब तक मॉर्निंग की क्लासेस लिए, पहली बार इवनिंग क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने वापस फ्लो में, अपने रंग में वापस आते हैं। जानवी आप आगे बैठते हैं ना, तो ज्यादा सही रहता। चलो अभी बैठ गए तो ठीक है, आप अभी कुछ क्लासेस में आगे ही बैठो, क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किया, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं और उसे तो आगे से अच्छे से समझ आएगा। कंसंट्रेशन जो फोकस होता है ना, वो आगे बैठने से ज्यादा होता है, पीछे बैठने से कंसंट्रेशन थोड़ा लूज रहता है, क्योंकि यहाँ सीधे मेरी आवाज आएगी, वहां घूमते घूमती आएगी, है ना, फर्क पड़ता है इस चीज पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3, राइट, कोई डाउट नहीं था उसमें, और कॉन्ग्रुएंसी हम कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज में बेसिकली SSS और RHS कॉन्ग्रुएंसी पे ज्यादा फोकस किया गया है। ये हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज पर फोकस करके क्वेश्चंस बने हुए हैं। हालांकि और कॉन्ग्रुएंसीज भी यूज होंगी इधर उधर से, लेकिन इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, कौन कौन सी, SSS एंड RHS, पहले भी रिवाइज किया था, फिर से रिवाइज कर देता हूं। अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स के बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। RHS क्या कहती है, अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल में, ये भी राइट एंगल हो, ये भी राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस के बराबर हो, और बची हुई दो साइड्स में से कोई भी एक साइड उधर बची हुई दो साइड्स में से उस किसी एक साइड के बराबर हो, तो भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं। AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। सबसे पहले देखो, दो वर्ड्स आ रहे हैं, इनको क्लियर करो, आइसोसेलेस और अल्टीट्यूड। पहले आइसोसेलेस बताओ क्या है, आइसोसेलेस दो साइड्स, ट्राइंगल की जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, वो क्या होगा, आइसोसेलेस। एंड ऑब्वियसली अगर दो साइड्स इक्वल होगी तो अंदर के दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, वो उसका रिजल्ट है। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, परपेंडिकुलर या हाइट कुछ भी कह दो, सामने वाले वर्टेक्स से नीचे बेस पर जो 90 डिग्री की परपेंडिकुलर लाइन बन रही है वो क्या है, अल्टीट्यूड है, वो क्या है, हाइट। गायत्री, वेयर इज योर पनिशमेंट होमवर्क, याद रहता है मुझे, ऐसा नहीं कि सर भूल जाएंगे। ठीक है, ओके, हाँ, तो एक बार पहले मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ट्रायंगल ABC, फिर फेयर करते हैं। अच्छा, ट्रायंगल ABC को आपको आइसोसेलेस बनाना है, आइसोसेलेस मींस दो साइड्स बराबर बनानी है, तो ये थोड़ा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया एक, लगभग लगभग AB और AC बराबर बनाया, बिल्कुल एग्जैक्टली नाप के नहीं बनाना, अंदाजे से बना लेना है। इसमें AD अल्टीट्यूड है, अब AD अल्टीट्यूड है तो A से निकलेगी भाई, एक वर्टेक्स ए मिल गया तो ऑब्वियसली ऐसे ही निकलेगी और सामने वाली साइड पे 90 डिग्री को छुएगी, इसको मार्क कर देंगे डी, ये हो गई अल्टीट्यूड। आगे बढ़ते हैं, शो दैट, ये तो हो गया गिवन पॉइंट, अब शो क्या करना है, AD बाइसेक्ट्स BC, ये AD जो है ना बेटा, इस BC साइड को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये D इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये AD इस BC के बीचों बीच गुजर रही है, ऐसा मुझे, गुजर रही है या टच कर रही है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। दैट मींस मुझे बेसिकली ये प्रूव करना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। वो प्रूव कैसे होगा, जब मैं BD और CD को बराबर प्रूव करूंगा, राइट, अगर मैं B से लेके D तक की लंबाई और C से लेके D तक की लंबाई बराबर प्रूव कर दूं, BD CD बराबर, तो प्रूव हो जाएगा D मिड पॉइंट है, और D मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि AD जो है BC को बाइसेक्ट करती है। सेकेंड पॉइंट ये करना है कि AD जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा, एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, दैट मींस ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा भाई, टोटल एंगल ये है A, ये टोटल एंगल A है, और AD आ रहा है यहां से और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल बराबर है, तो देखो इधर वाली साइड भी बराबर है और इधर वाला एंगल भी बराबर है, कुल मिला के अगर ये दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो CPCT से साइड भी बराबर हो जाएगी और CPCT से एंगल भी बराबर। CPCT क्या होता है बेटा, CPCT means अगर हमने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उनकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं, उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो CPCT से ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गई और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। तो एक बार ऐसी पूरी चीज माइंड में सेट कर लिया करो, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं है बुक का है, हम अब 9th में, ठीक है ना, टोटल बुक का आने की गारंटी नहीं होती, हाँ ज्यादातर आता है बुक से क्योंकि 9th है, 10th में तो बिल्कुल गारंटी नहीं है, पर 9th है तो चलो आता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रेडी रखें एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, तो रट के तो जा नहीं सकते, ठीक है, तो इस तरीके से माइंड सेट रेडी करेंगे। चलिए अब फटाफट से एक फेयर फिगर, आप लोगों ने तो बना दिया, मैं बना देता हूँ क्योंकि बुक में फिगर गिवन नहीं है, तो मैं बना देता हूँ।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है वंशिका एंड सौम्या? यस सर। जहां पर भी समझना आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप ही दो ऑनलाइन हो तो आप पे ध्यान थोड़ा कम जाएगा मेरा, है ना। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों, समवन इज कॉलिंग। एबीसी एसोसिएट्स ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने, और एबी को एसी के बराबर करना है ना, तो ऐसे डैश लगा दो एबी पे और एसी पे। इससे क्या शो होगा कि ये दोनों बराबर हैं। अब एडी मीडियन ड्रॉ करनी है, एडी मीडियन नहीं सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है ना। मीडियन और अल्टीट्यूड में फर्क समझते हो ना? मीडियन क्या होता है, क्या हुआ शिखी, शिखी एंड जानवी आप आगे आ जाओ, जानवी बेटा आगे आ जाओ, आप दोनों आगे आ जाओ, एंड यू टू उधर बैठ जाओ या पीछे बैठ जाओ, उन दोनों को आगे आने दो, एक को आ जाओ या फिर उधर हो लो, या फिर उधर हो लो, उधर से भी अच्छा व्यू मिलता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन अल्टीट्यूड एंड मीडियन, ये ट्राइंगल है। अगर मैंने कहा अल्टीट्यूड तो अल्टीट्यूड तो बनेगा इस पॉइंट से 90 डिग्री पे, राइट। अल्टीट्यूड तो बनेगा इस पॉइंट से नीचे 90 डिग्री पे टच करने वाली लाइन सेगमेंट। और मीडियन कैसे बनेगा, मीडियन बनेगा इस पॉइंट से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे टच करने वाली लाइन, ये तो है मीडियन और वो है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे टच करे गारंटी नहीं है पर 90 डिग्री पे टच करता है। मीडियन मिड पॉइंट पे टच करने की गारंटी है पर 90 डिग्री पे टच नहीं करता है, कर दे तो ठीक है लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है। अब आपने बनाया क्या है, आपने अल्टीट्यूड बनाया है, क्योंकि गिवन पॉइंट्स में हमको अल्टीट्यूड गिवन है। क्या गिवन है कि एडी इज एन अल्टीट्यूड, और अगर वो बीसी को बाइसेक्ट करता है दैट मींस वो मीडियन है। समझ रहे हो बात को भाई, ये प्रूव करना है भाई, वो अल्टीट्यूड है ये गिवन है और वो मीडियन है इसको प्रूव करना है। समझ में आया क्या, नहीं आया? देखो ये अल्टीट्यूड है ये तो गिवन है, और यही लाइन मीडियन है इसको हमको प्रूव करना है, क्योंकि हमको ये कहने के लिए, प्रूव करने के लिए कह रहा है वो कि एडी जो है इस बीसी को बाइसेक्ट करेगी, दैट मीन्स डी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को छूने वाली लाइन मीडियन ही तो होती है। तो एक तरीके से ये प्रूव करना है कि ये एडी अल्टीट्यूड तो है लेकिन मीडियन भी है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि वही अल्टीट्यूड और वही मीडियन हो, इस केस में हो रहा है, ऐसा मुझे प्रूव करना है, ठीक है। गिवन पॉइंट्स में डालता हूं, दोनों साइड 90 डिग्री डाल देना आप, है ना। पहला गिवन पॉइंट, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन विच एबी इक्वल्स टू एसी। फर्स्ट गिवन पॉइंट इज दिस। सेकेंड गिवन पॉइंट इज कि AD is the altitude on BC। इस चीज का मतलब ये हुआ कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC के, दैट इज AD परपेंडिकुलर टू BC। उसका मीनिंग भी लिख दिया हमने भाई, AD BC पे अल्टीट्यूड है, दैट मीन्स AD BC के परपेंडिकुलर है, दैट इज IE का मतलब होता है दैट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है ये, दैट इज। जब अपन रिजल्ट निकालते हैं इससे ये रिजल्ट निकाला तो हम लिखते हैं ना दैट इज, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है IE, दैट इज AD परपेंडिकुलर BC। ये दो गिवन पॉइंट्स हो गए। अब प्रूव ये करना है, दो ही चीजें प्रूव करनी है आपको। पहली चीज AD बाइसेक्स, क्या लिखा हुआ है बुक में देखना, BC, AD बाइसेक्स BC। एंड द सेकेंड चीज जो प्रूव करनी है वो ये है AD बाइसेक्स एंगल A, दोनों को AD बाइसेक्ट करेगी, एंगल A को भी AD बाइसेक्ट करेगी और नीचे वाली साइड BC को भी AD ही बाइसेक्ट करेगी। प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम यहां से, करीब करीब अब पूरी एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर्स अगले सब में प्रूफ ही प्रूफ है, तो रेडी रहना इन सारी चीजों के लिए, गिवन वाले पॉइंट्स बनाना, टू प्रूफ वाले पॉइंट्स बनाना, है ना। बिल्कुल माइंड सेट रेडी कर लो कि अब अगले कुछ महीने तो यही करना है मैथ्स में, है ना, ठीक है जी।
क्या कहा था मैंने, इन दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट। तो तीन चीजें ढूंढते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, और अब की बार 90 डिग्री मिल गया तो हम RHS लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। जब 90 डिग्री मिल गया तो एक एंगल 90 डिग्री इसमें भी है इस वाले ट्राइंगल में, एक एंगल 90 डिग्री इसमें भी इस वाले ट्राइंगल में, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री मिल गया। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इस ट्राइंगल की ये हाइपोटेन्यूज है, इस ट्राइंगल की और ये हाइपोटेन्यूज बराबर है, ऐसा गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज भी बराबर मिल गई, 90 डिग्री भी मिल गया। अब क्या चाहिए, एक और साइड चाहिए बराबर, तो एक और साइड मिल गई ना, ये AD, ये AD दोनों में आ रही है, इसमें भी और इसमें, कॉमन साइड। एक साइड और चाहिए होती है हाइपोटेन्यूज के अलावा, तो ये AD वो साइड का काम करेगी। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएगा दोनों ट्राइंगल, किससे, एंगल एंगल साइड से, एक एंगल, हाँ एंगल एंगल साइड से भी हो सकता है। कैसे, कि अगर AB और AC बराबर है, देखो अगर AB और AC बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा के ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे इनके आमने सामने वाले। अब एक एंगल के बराबर, दूसरा एंगल के बराबर और तीसरी साइड कॉमन, तो एंगल एंगल साइड से भी ये हो सकता है। बट क्योंकि एक्सरसाइज फोकस कर रही है RHS SSS पे, तो हम RHS लगा देते हैं, ठीक है। प्रूफ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के नाम बोलो दोनों, जिस फ्लो में इसका नाम बोले उसी फ्लो में उसका नाम बोले, ABD एंड ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, नहीं सॉरी एंगल ADB, 90 डिग्री तो डी पे बन रहा है, DB लिखो भाई, BD नहीं, एंगल ADB, और उधर 90 डिग्री भी डी पे बन रहा है, ADC इक्वल टू ADC इक्वल टू 90। इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्यों है ये 90 डिग्री, बिकॉज नहीं, गिवन नहीं है, AD परपेंडिकुलर BC है। गिवन पॉइंट हम तब लगते हैं जब ऐसे की ऐसी बात उधर छपी हुई मिल जाए, हम क्वेश्चन में या गिवन पॉइंट्स में हमने लिखी ऐसी की ऐसी बात। अब हमने गिवन पॉइंट्स में तो ये बात लिखी है ना बेटा, हमने गिवन पॉइंट्स में वो बात लिखी है, AD परपेंडिकुलर BC लिखी है ना थर्ड गिवन पॉइंट में, तो उससे हमने ये चीज बनाई है, उससे हमने ये चीज बनाई है, तो हम गिवन नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे बिकॉज AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री मिल गया। अब RHS की खास बात यह है कि हाइपोटेन्यूस में लिखना पड़ता है कौन सी हाइपोटेन्यूस, तो ADB ट्राइंगल में कौन सी है हाइपोटेन्यूस, ADB ट्राइंगल में देखो कौन सी है हाइपोटेन्यूस, AB, तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस AB, और उस वाले ट्राइंगल में कौन सी है हाइपोटेन्यूस, AC, तो हम क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूस AC, तो लिखो हाइपोटेन्यूस AB, भाई जा ही रहे हैं वो गर्मी लगेगी, हाइपोटेन्यूस AB हाइपोटेन्यूस AC। अच्छा, AB और AC बराबर है, ये बात हमने एज इट इज गिवन में लिखी है, AB और AC बराबर हैं, ये बात हमने गिवन पॉइंट में लिखी है, लिखिए। तो एक एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूस हो गया, तीसरी साइड चाहिए, तीसरी साइड कौन सी थी, बीच वाली कॉमन साइड, क्या नाम था उस साइड का, AD, तो AD इक्वल टू AD कॉमन साइड, एंड लगा दो यहां पे भी, ठीक है। तो राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूस मिल गई और साइड में एक साइड मिल गई, तो RHS लग गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड RHS। अच्छा, फ्लो चेक कर लेते हैं एक बार लिखने से पहले, इधर लिखा हमने ADB, तो उधर क्या लिखना चाहिए, वही लिखा है। अच्छा, हाइपोटेन्यूस वाली साइड AB लिखी, तो वहां क्या लिखेंगे, ABAC, और AD का भी देख लो, AD सेम फ्लो में आ रहे हैं, तीनों चीजें सेम फ्लो में, मतलब मामला सेट है। सो बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल थे, जो ट्रायंगल ऊपर लिए हो ना नाम वाइज, वो के वही लिखना नीचे, ABD लिया था एक तो कॉन्ग्रुएंट टू, और क्या लिया है AC, ठीक है। ये हो गए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब एक बार अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सबसे पहले तो BD बराबर CD करो, BD बराबर CD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से ना, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से नहीं है, BD बराबर CD, ठीक है।
बाय सीपीसीटी, वेरी गुड, रीजन डालेंगे हम बाय सीपीसीटी। अब अगर BD बराबर CD है तो इससे हम ये लिख सकते हैं ना कि AD bisects BC, हो गया पहला पॉइंट ट्रू। क्योंकि BD और CD बराबर हैं, दैट मींस D पॉइंट पे BC bisect हो रही है ना, तो AD bisects BC ये प्रूव हो गया। ऑल्सो अब एक और CPCT से पॉइंट निकालेंगे हम इसी ट्राइंगल में से, अभी कॉन्ग्रुएंसी से हमने एक ही पॉइंट निकाला है ये वाला, अब एक पॉइंट और निकालने वाले हैं, क्या एंगल वाला, कौन सा एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये भी हम उसी सीपीसीटी से निकालेंगे, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय सीपीसीटी, और यहां से क्या प्रूव हो जाएगा, अगर वो दोनों एंगल भी बराबर हैं, दैट मींस AD bisects एंगल A, दोनों चीजें आपकी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, कोई डाउट रचित, कोई डाउट? बोलो साक्षी, कोई डाउट? नो, हाँ देखो, एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ना, तो इसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो इस ट्राइंगल पे जो ए लेटर पे एंगल बन रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ बी ए डी, और उस ट्राइंगल पे भी जो ए लेटर पे एंगल बन रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ, सेमी फ्लो में लिखो सी ए डी। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये एंगल भी तो बराबर होंगे, एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर लिख सकते हैं, उसका रीजन डाल देते हैं अपन बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब बी ए डी सी ए डी कहाँ है, चेक करो, आप खुद चेक करो, बी ए डी सी ए डी कहाँ है फिगर में, बी ए डी सी ए डी देखो, ये है बी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल, ये है सी, हाँ जी सर आओगे क्या फिर, ये 7:30 बजे फ्री होंगे, चलो ठीक है, चलो देखता हूँ, ये हो गया बी ए डी, ये हो गया सी ए डी, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये ए डी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, भाई अगल बगल के एंगल इक्वल हो गए, सपोज करो, देखो एक लॉजिक समझो, सपोज करो ये पेंसिल है, ये पेंसिल है ना, अब सपोज करो एक चाकू से या किसी भी चीज से मैंने इसको काट दिया, तो अगर मैंने जब उसको काटा तो एक हिस्सा अगर बड़ा निकला एक हिस्सा छोटा निकला, तो इसका मतलब है जिस भी चीज से मैंने उसको काटा वो उसके मिड से नहीं गया होगा, तभी तो एक हिस्सा बड़ा और एक छोटा निकला, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बीच से जाना। अब उधर देखो स्क्रीन पे, ये कह रहा है कि AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब AD एंगल A के बीच से जा रहा है, ऐसा प्रूव करना है मुझे, तो अगर इधर का एंगल और इधर का एंगल बराबर होगा दैट मींस वो बीच से गया है, सपोज करो मैंने चाकू मारा और दोनों इससे बराबर निकले, इधर वाला, दैट मींस जो मेरा चाकू है उसने इसको बाइसेक्ट किया, उसके बीच से गया वो, तो मुझे प्रूव करना था कि ये AD जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, दैट मींस ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एंगल वाइज ये वाला हिस्सा ये वाला एंगल के बराबर होगा, और एक पॉइंट और प्रूव करना था कि इस BC साइड को भी वो बाइसेक्ट करेगा, तो BC साइड को बाइसेक्ट करेगा दैट मींस BD वाला हिस्सा और CD वाला हिस्सा भी बराबर होगा, तो दोनों चीजें हमने प्रूव कर ली, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। नो, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो चीज को समझो, दो ट्राइंगल है बेसिकली, फिगर देख रहे हो, पहले वाले ट्राइंगल में से उसने साइड लिए ए बी, दूसरी साइड लिए बी सी, लेकिन तीसरी साइड नहीं लिए, तीसरी साइड की जगह उसने क्या लिया है, मीडियन ए एम, तो यानी कि उसने ये ले ली ए बी, श्रेष्ठ कहां ध्यान है आपका, बाल बाद में बना लेना,
पहली साइड ली है उसने AB, दूसरी साइड कौन सी ली है और तीसरी साइड AC नहीं ली है, उसकी जगह उसने क्या ले लिया, ये मीडियन। मीडियन समझते हो, यानी कि ये मिड पॉइंट पे टच कर रहा है, M मिड पॉइंट S का, तो ये मीडियन हो गया। ये तीन चीजें ले ली इसने ट्रायंगल ABC की। अब ये तीनों चीजें उधर की तीनों चीजों के बराबर हैं, किस किस के, AB तो बराबर है PQ के, देखो उधर से उसने क्या क्या लिया है, साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PN, उधर से ये तीन चीजें ली है, तो साइड AB तो इक्वल हो गई साइड PQ के, साइड BC इक्वल हो गई साइड QR के, और मीडियन AM इक्वल हो गया मीडियन PN के। आप कहोगे सर आपको यही कैसे पता कि AB ही PQ के इक्वल है, ऐसा भी तो हो सकता है कि AB QR के हो और BC PQ के हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि AB जो है वो मीडियन PN के हो और मीडियन AM QR के हो, कैसे भी हो सकता है। तो इसने वर्ड लगा दिया रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब सीक्वेंस में पढ़ो, AB की सीट में क्या पढ़ो PQ, BC की सीट में क्या पढ़ो QR, और AM मीडियन की सीट में क्या पढ़ो PN। रेस्पेक्टिवली लगाते ही चीज सीक्वेंस में चलती है। अब सेम रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है सेम रेस्पेक्ट में या सेम पोजिशन में, ठीक है। ये तो गिवन पॉइंट है। अब आपको प्रूव क्या करना है, ABM congruent है PQN के, ABM दैट मींस ये वाला ट्रायंगल, इसमें लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल, आवाज आ रही है ना बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देयर इज नो वन, सब ज्वाइन करेंगे, वन आवाज आ रही है बच्चों, वंशी का आवाज आ रही है, ओके okay. हाँ तो कहाँ थे हम लोग, यू आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट। देखो साइड AB, साइड BC, मीडियन AM, ये तीन चीजें लेनी है इस ट्रायंगल से, इक्वल हैं किसके, देखो खुद कह रहा है इक्वल टू किसके, साइड PQ, साइड QR, मीडियन PM, उस ट्रायंगल के, ये तीन चीजें इन तीन चीजों के इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि इधर जो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में भी जो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABM, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू उस ट्रायंगल में जो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल है PQN, ठीक है, मतलब इधर जो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल है और उधर जो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स शेप में भी एक जैसे हैं, साइज में भी एक जैसे, हर चीज सेम है, फोटोकॉपी एक दूसरे की। फिर आपको ये प्रूव करना है कि टोटल बड़ा ट्रायंगल ले लें ABC और उधर टोटल बड़ा ट्रायंगल ले लें PQR, वो दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दो चीजें प्रूव करनी। क्वेश्चन समझ में आया सबको, करेंगे कैसे, बात की बात है, क्वेश्चन तो समझ में आया, तो एक बार फिगर ड्रॉ कर लो और फिर गिवन पॉइंट्स लिख लो। ड्रॉ कर लिया फिगर। तो गिवन पॉइंट्स में हम ये लिख सकते हैं बेटा, पहला गिवन पॉइंट साइड AB इक्वल टू उधर किसके बराबर थी, वो PQ के। दूसरा गिवन पॉइंट साइड BC वो किसके बराबर थी, साइड BC थी शायद, BC वो किसके बराबर थी QR के, साइड BC है ना, अरे साइड AB फिर साइड BC, उधर क्या है साइड PQ QR, तो AB तो PQ के बराबर ये गिवन है और BC QR, भाई उधर तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, हम तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे ना गिवन पॉइंट, हम भी ऐसे स्टेटमेंट थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उसमें फिर वो उतने ही मार्क्स मिलेंगे अगर आप कर भी लेते हो तो, और अगर अपन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड थर्ड गिवन पॉइंट विल बी मीडियन AM इक्वल टू मीडियन PN, ठीक है। तो BC इक्वल टू QR, थर्ड गिवन पॉइंट शुड बी मीडियन, क्या है इधर मीडियन AM इक्वल टू उधर कौन सा है मीडियन PN, यही तीन गिवन पॉइंट हैं, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। टू प्रूव में हमको दो बातें प्रूव करनी है, सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD, इट शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू उधर लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल, क्या है बोलना बेटा,
ए बी एम है, ठीक है, हाँ ए बी एम है राइट, और उधर बेटा बताना पी क्यू एन है। सेकंड में पूरा ट्राइंगल ए बी सी लेफ्ट साइड में शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू पूरा ट्राइंगल राइट साइड में क्या है पी क्यू आर, ठीक है। आ जाओ फिगर, सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, दैट मींस ये वाला बेटा, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस ट्राइंगल, काफी आसानी से हो जाएगा, पता है कैसे? हाँ साइलेंट करो फटाफट, फ्लो टूट जाएगा नहीं तो हमारा ना, और आगे से ध्यान रखना फोन लाना अलाउड है बट साइलेंट मोड पे रखना है, ठीक है। हाँ देखो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ए बी और पी क्यू बराबर है, हमने खुद ने लिखा है गिवन पॉइंट में, एक साइड बराबर हो गई। अच्छा जी ए एम और पी एन भी बराबर है, हमने लिखा है। आप एक चीज समझो, इस ट्राइंगल के लिए तो ए एम एक मीडियन है, क्या है, लेकिन इस ट्राइंगल के लिए तो वो एक साइड है, उस ट्राइंगल के लिए तो एक साइड है, तो हमको तो एक तरीके से एक साइड के बराबर मिली है ना, हमको थोड़ा ना मीडियम, बड़े ट्राइंगल के हिसाब से मीडियम था, अब छोटे ट्राइंगल के हिसाब से तो वो एक साइड साइड के बराबर है, दो साइडें मिल गई साहब, ए बी पी क्यू साइड बराबर, ए एम पी एन साइड बराबर, अगर एक तीसरी साइड और मिल जाए तो हो जाए काम। तीसरी साइड कौन सी है इसकी, बी एम और इसकी क्यू एन, बेटा पूरी बी सी पूरी क्यू आर के बराबर है, गिवन है, तो बी सी का हाफ और क्यू आर का हाफ भी बराबर होगा, अगर पूरे से पूरा बराबर है तो हाफ से आप बराबर नहीं होगा, होगा ना, होगा नहीं होगा, मैंने कहा इसके पास दस रुपए उसके पास दस रुपए, तो इसके पास इसके होने वाले रुपए के आधे और उसके पास भी आधे बराबर नहीं होंगे, पांच पांच होंगे ना, तो तीनों साइड के बराबर आ गई, एक बार तीनों साइड के बराबर आ गई तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो जाएंगे। चलो इतना काम करते हैं पहले, तो स्टार्ट हम करते हैं हेयर, हम मीडियंस की बात करते हैं सबसे पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर ए एम मीडियन है, यस और नो, है ना, ट्राइंगल ए बी सी में ए एम मीडियन है, यस और नो, कौन सी साइड पे है, बी सी पर, यस और नो, इसको डाल दो गिवन, में गिवन पॉइंट है कि ये मीडियन, तो अगर ए एम अगर मीडियन है बी सी पर, तो ए एम अगर मीडियन है बी सी पर, तो बी एम की वैल्यू बी सी की हाफ की वैल्यू के बराबर होगी, बी एम की वैल्यू टोटल बी सी के हाफ के बराबर होगी, होगी, नहीं समझ आया, ये ए एम मीडियन है, मीडियन है दैट मीन्स ये मिड पॉइंट है, तो मैंने कहा यार बी एम की वैल्यू बताओ, मतलब बी एम की लंबाई बताओ, आप कहोगे टोटल नाप लो उसका आधा कर ले, गलत कह रहा हूँ, टोटल अगर मैं बी से लेके सी तक नाप के आधा कर दूं तो बी एम की लंबाई मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि ये मीडियन है इसलिए मिलेगी, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट मैं लिखूंगा सो बी एम शुड बी इक्वल टू बी सी का हाफ, और इसको मार्क कर लो इक्वेशन वन, ऐसी की ऐसी इक्वेशन दूसरे वाले ट्राइंगल में भी बनाओ उधर पी क्यू आर में। अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, उधर मीडियन का नाम क्या है, पी एन, पी एन एच एन इज द मीडियन, ऑन विच साइड, किस साइड पे है वो मीडियन, क्यू आर पे, ठीक है, सो अगर पी एन मीडियन है क्यू आर पे, तो उस ट्राइंगल में क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, तो क्यू एन जो होगी टोटल क्यू आर की हाफ होगी, लिख दो, सो क्यू एन इक्वल टू क्यू आर की हाफ, इक्वेशन टू, रचित बहुत कम स्पीड है आपकी, जिसमें तो तुम आगे भी बैठे हो और कुछ जवाब भी नहीं देते हो, भाई जो बच्चा बीच बीच में जवाब देता रहे वो पीछे रह जाए तो वो तो फिर भी बनता है, आप तो केवल कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो फिर भी दे रहे हो। देखो क्यू एन की वैल्यू क्यू आर के हाफ के बराबर होगी, इवन Q
qn क्या, nr की वैल्यू भी आपके बराबर होगी, अगर मैं n से लेके r तक कंसीडर करूं तो ये भी qr के आपके बराबर होगी। उसी तरीके से इस ट्राइंगल में अगर मैं cm की बात करूं तो वो भी bc के आपके बराबर होगी, बट मैं cm और rn की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल bm और qn की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो लेफ्ट से लेफ्ट वाला करना है। कल को अगर राइट से राइट वाला आ जाए, कल को राइट से राइट वाला आ जाए तो यही बात है, फिर मैं cm और rn के लिए करूंगा, तो वो चीज भी माइंड में रखना, ठीक है। दोनों हिस्से बराबर है नहीं है, और दोनों हिस्से ही टोटल के आपके बराबर है, ठीक है, क्लियर है। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को उठा लीजिए जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABM और PQN, उठाइए। नाउ नहीं, एक मिनट रुको, एक काम और करना पड़ेगा। अब आप लिखिए, आपको एक गिवन पॉइंट गिवन है कि BC QR के बराबर है, गिवन है क्या? क्योंकि अगर अपन ने कॉन्ग्रुएंसी के ट्राइंगल्स उठा लिए तो उसमें BC और QR तो काम आएगा नहीं, उन दोनों के हाफ हाफ काम आएंगे ना, तो पहले अपन इन दोनों का हाफ हाफ कर लेते हैं फिर ट्राइंगल्स उठाएंगे। तो BC इक्वल्स टू QR ये गिवन है, हम क्या करेंगे दोनों साइड्स 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमको हाफ करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय भाई BC QR के बराबर, ऐसी बात गिवन है क्या? हमको है गिवन, देखो गिवन पॉइंट्स में लिखा है हमने BC इक्वल्स टू QR गिवन है। तो अब BC इक्वल्स टू QR मेरे किसी काम में नहीं आ रहा अभी इन दोनों ट्राइंगल्स के साथ, लेकिन इनका आधा आधा हिस्सा जरूर काम में आएगा। तो इनका आधा आधा हिस्सा करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा BC बाय 2 इक्वल टू वहां क्या मिलेगा QR by 2। अब जरा इक्वेशन 1 में गौर करके देखिए BC by 2 की वैल्यू क्या है, चेक करिए, आपने लिखी है क्या, लिखी है BM, और जरा इक्वेशन 2 में गौर करके देखिए कि QR by 2 की वैल्यू क्या लिखी है, QN, ठीक है। अब पता चला इक्वेशन 1 एंड 2 क्यों बनवाई, इसलिए बनवाई क्योंकि BC by 2 की वैल्यू क्या आ गई, अब इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग BM और QR by 2 की वैल्यू क्या आ गई इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग QN। ये वैल्यू इक्वेशन 1 से आई, ये वैल्यू इक्वेशन 2 से आई, तो मैं रीजन लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब BM और QN बराबर आगे। हाँ बोलो, डिपेंड करता है बेटा, मीडियन है तो डायरेक्ट ही ले सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं है ना कि दोनों इससे बराबर है, उसने तो कहा है मीडियन है। देखो वो ये चेक करना चाहता है कि आपको पता है क्या भाई मीडियन क्या होता है, उसने गिवन पॉइंट में दिया कि ये मीडियन है। अब आप इससे रिजल्ट लेते हो क्या भाई, ये चीज उस टोटल की हाफ के बराबर होगी, ये चीज आप लेते हो कि नहीं लेते, सिस्टमेटिकली लेते हो, वो चीज वो चेक करना चाह रहे। अब आप कह रहे हो कि सर डायरेक्ट ही ले लें कि BM और QN बराबर है क्योंकि वो मीडियन है, तो मार्क्स मिल भी सकते हैं लेकिन रिस्क कट भी सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया ना, हम पहले BC को QR के बराबर करें, फिर BC का आधा हो गया इधर BM, QR का आधा हो गया इधर QM, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे यहां से BM बराबर QM। अब आप ले लीजिए वो दो ट्राइंगल, सब आप रेडी हैं बिल्कुल। नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे, एक तो था A B M, M था ना, दूसरा कौन सा था PQN। फर्स्ट ऑफ ऑल AB बराबर PQ गिवन है, साफ साफ है या नहीं है बताओ, ए बी बराबर पी क्यू साफ साफ गिवन है, इक्वल है। दूसरा गिवन पॉइंट ए एम बराबर पी एन, ये भी गिवन है, आप अपने गिवन पॉइंट चेक करिए जरा, ये पहला गिवन पॉइंट था, ये तीसरा गिवन पॉइंट था, तो दो साइड्स को गिवन पॉइंट से मिल गई हमको, मिली तो इन दोनों के आगे तो लगा दो गिवन है ये। और तीसरा तीसरी साइड बी एम और क्यू एन वो देखो ऊपर पड़ी है, हमने अभी अभी प्रूव करी है कि बराबर है, प्रूव्ड अबव, तो बी एम इक्वल टू एंड एंड लगा दिया करो, एंड एंड बी एम इक्वल टू क्यू एन, ये चीज अभी अभी ऊपर प्रूव करी है। तीनों साइड्स का फ्लो देख लो फटाफट, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इधर ए बी तो फिर इधर पी क्यू, सही फ्लो है ए बी पी क्यू, अच्छा ए एम तो उधर पी एन, सही है सही है, और लास्ट वाला साइड देखो बी एम तो उधर क्यू एन, सही है। तो तीन साइड्स के बराबर हैं, सो बाय यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल
ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल एबीडी, एबीएम सॉरी एबीएम, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल दो, बस पांच मिनट में छूटने वाले अगर घर से तो ना। ट्रायंगल एबीएम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूएन, ये हो गई पहली चीज प्रूव, ठीक है। अब टास्क नंबर टू है पूरे बड़े ट्रायंगल को पूरे बड़े ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। पहले एक बार फिगर पे गौर करते हैं, इतना कर लिया सबने काम, अब वापस से अपना माइंडसेट रेडी करते हैं। यह है पूरा बड़ा ट्रायंगल, इसको प्रूव करना है पूरे बड़े ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट। देखो एक साइड तो इसकी इसके इक्वल गिवन है, ए बी बराबर पी क्यू गिवन है भाई, हमने जो अभी इस ट्रायंगल में ए बी बराबर पी क्यू यूज किया उसको मैं बड़े ट्रायंगल में भी तो यूज कर सकता हूँ, बड़े ट्रायंगल की भी तो वो साइड है कि नहीं है। दूसरी साइड बी सी और क्यू आर गिवन है, इक्वल है भाई, ए बी बराबर पी क्यू पहली साइड, बी सी बराबर क्यू आर। अब तीसरी साइड तो गिवन है नहीं और ना ही इसके बारे में कोई नॉलेज है, कोई बात नहीं, दो साइडें मिल गई तो बीच का एंगल भी तो काम करता है, जरूरी थोड़ी कि एसएसएस लगाएं हर बारी, एसएसएस पे फोकस है लेकिन और कॉन्ग्रुएंसी भी चलेगी। अब आपका टास्क है इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करना, कैसे करोगे? अभी अभी जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है इसके सीपीसीटी से बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल हो जाएगा भाई, हमने ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ना, अभी अभी ए बी एम कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है किसके, पी क्यू एन के। तो एक बार अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके सारी चीजें बराबर हैं, तो इनका फिर ये बी वाला एंगल क्यू वाला एंगल के बराबर है, और बी वाला एंगल क्यू वाले एंगल के बराबर कर दोगे तो एंगल बी बड़े ट्रायंगल में भी है और एंगल क्यू भी बड़े ट्रायंगल में भी है, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं, सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं जहां पे हमने फर्स्ट पार्ट को एंड किया है। सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं, नाउ वी हैव, कहां पे एंड किया अपने फर्स्ट पार्ट को, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, यहां पे एंड किया है, इसके नीचे डाल दो प्रूफ दबाओ, मतलब इसके सामने सॉरी, सामने जगह है तो ठीक, नहीं तो फिर नीचे, ये रीजन डाल दिया हमने प्रूफ दबाओ। तो इसके सीपीसीटी से हम एक रिजल्ट ले रहे हैं कि एंगल ए बी एम इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल पी क्यू एन हो जाएगा। अब आप फिगर के अंदर देखिए बेटा, एंगल ए बी एम को मैं का एंगल ए बी एम, ए बी एम, इस एंगल को मैं एंगल ए बी सी भी तो बोल सकता हूं भाई, एम पे स्टॉप ना करके सी पे चले जाए तो ए बी सी भी यही एंगल होगा। अब मैं सी तक क्यों जा रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को एंगल ए बी एम मैंने ले तो लिया, लेकिन एंगल ए बी एम फिर मुझे इस ट्रायंगल में काम नहीं आएगा, इस ट्रायंगल में मुझे काम आएगा ए बी सी, इसलिए मैं ए बी एम का नाम पलट के क्या लिख रहा हूं, ए बी सी, क्योंकि सेम एंगल ही बन रहा है। सिमिलरली उस ट्रायंगल में अभी मेरे पास एंगल पी क्यू एन आया है, लेकिन उस पी क्यू एन को मैं पी क्यू आर भी तो लिख सकता हूं भाई, अगर मैं एंगल पी क्यू एन बनाऊं जानवी तो ये वाला एंगल बनेगा, और अगर मैं एंगल पी क्यू आर बनाऊं तो भी तो यही वाला एंगल बनेगा। मैं अगर आपको कहूं कि बेटा प्रोटेक्टर ले जाओ और मुझे नाप के बताओ पी क्यू एन, तो आपने सपोज करो नाप लिया ये 30 डिग्री, मैं आपको वापस भेजूंगी बेटा अब जाओ पी क्यू आर नापो, तो सेम ही निकलेगा या नहीं निकलेगा, एंगल तो वही निकलेगा, फर्क थोड़ा पड़ेगा कि एन पे स्टॉप किया या आर पे स्टॉप किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल वही मार्क हो रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसी चीज को, एंगल ए बी एम को तो मैं लिख दूंगा एंगल ए बी सी एज पर द फिगर, और एंगल पी क्यू एन को क्या लिख दूंगा, एंगल पी क्यू आर। अब ये ए बी सी और पी क्यू आर मेरे उस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी में मुझे काम देंगे, ए बी एम और पी क्यू एन थोड़ा ना देते काम, क्योंकि लेटर टू लेटर मैच करना होता है तो उसमें M और N तो है ही नहीं उस ट्राइंगल में, उसमें तो A, B, C और P, Q, R है, समझ रहे हो। अब आप वो दोनों ट्राइंगल्स उठा लीजिए जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इसमें लिख सकते हो एज पर द फिगर, एज पर द फिगर या अकॉर्डिंग टू द फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम एंगल्स हैं, ए बी एम ए बी सी है और पी क्यू एन पी क्यू आर है। हाँ जी, नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यहाँ पे ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले तो साइड्स ले लेता हूं मैं, साइड ए बी और साइड पी क्यू बराबर गिवन है, और साइड बी सी और साइड क्यू आर भी बराबर गिवन है, दोनों के लिए आगे डाल दो गिवन,
है या नहीं है चेक कर लो, ये फर्स्ट गिवन पॉइंट में गिवन है और ये सेकंड गिवन पॉइंट में गिवन है ना। और अब जो मैंने एंगल ले रहा हूं वो ए बी और बी सी के बीच का एंगल होना चाहिए, तो आप फिगर में देख सकते हो ए बी और बी सी के बीच का एंगल यही बनेगा एंगल ए बी सी, और पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल उस ट्राइंगल में कौन सा बनेगा एंगल, तो एंगल ए बी सी भी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के। कहां से पता चला, अभी अभी ऊपर हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। तो दो साइड्स बराबर हैं और बीच का एंगल बराबर है तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं ऐसे, ठीक है जानवी। जरूरी नहीं है कि तीनों ही साइड तीनों साइड के बराबर हो, अगर दो भी साइड मिल गई और इधर भी दो भी साइड मिल गई तो तीसरी साइड ना भी मिले तो दो साइड के बीच का एंगल इधर और उधर भी दो साइड के बीच का एंगल, वो दोनों एंगल अगर आपस में बराबर हैं तो भी मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। उस कॉन्ग्रुएंसी को क्या कहते हैं, एस ए एस, साइड बीच का एंगल फिर साइड, और जो जिसमें तीनों साइड लेते हैं उसमें क्या लेते हैं एस एस एस, जैसे पिछले केस में लिया साइड साइड साइड, ठीक है। सो बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्राइंगल इक्वल्स, सेकेंड चीज प्रूव हो गया, ठीक है। क्या क्या कह रहे बेटा, एंगल ए बी एम, तेज बोलो थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा, ये अपन ने नहीं लिखा बाई सीपीसीटी, हाँ लिखो लिखो सही है बाई सीपीसीटी, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ना बाय सीपीसीटी। हाँ इन ट्राइंगल्स में भी ये सेकेंड टाइम हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर, इसमें भी फ्लो देख लेना, ए बी के सीध में क्या आ रहा है वहां पे पी क्यू सही लिखा है, फिर बी सी के सीध में क्या आ रहा है वो भी सही लिखा है, और एंगल ए बी सी एंगल पी क्यू आर तो सेम उसी फ्लो में ही चल रहा है तो सही होंगे ही होंगे, ठीक है जी। एनी डाउट्स वंशिका एंड सौम्या? नो सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक इंस्ट्रक्शंस दिए थे शायद फिर भूल जाते हो आप, याद है कि नहीं है? से याद है। फिर क्यों नहीं आप लोगों के वीडियोस ऑन, हाउ वुड आई नो कि आप क्या कर रहे हो, क्या पता सो ही रहे हो, खाना खा रहे हो, खाने खाने का टाइम भी हो गया है। चलिए तो फिर टाइम हो गया है, अगर शुरू करेंगे तो फिर खत्म नहीं कर पाएंगे, कितना टाइम हुआ है कोई बात नहीं, चीज को समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम दिन में दो ही क्वेश्चन करें, बट वो दो क्वेश्चन हम यहाँ पर भी अच्छे से करें और आप घर जाके भी अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि मैं ज्यादा कराऊंगा तो आपको सर बहुत सारा था रिवाइज करने के लिए इसलिए नहीं कर पाया, पर दो ही करवा रहा हूँ, ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, कितने करवा रहा हूँ दो ही करवा रहा हूँ, दो क्वेश्चन तो घर जाके रिवाइज कर सकते हो एक दिन में, इतना टाइम तो दोगे मैथ्स को, इतना टाइम भी अगर मैथ्स को नहीं दे सकते तो फिर मैथ्स भी आपको टाइम नहीं देगी, समझ गए बात, ठीक है ना। दो कदम हम आएंगे तो ही चार कदम सामने वाला आ गया है, तो ये दो क्वेश्चंस कहाँ से देखोगे, वीडियो से, वीडियो की लिंक सबको मिल रही है, किस किस को नहीं मिल रही है बताओ, सभी को मिल रही है लिंक, आपको नहीं मिल रही है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए थे तो लिंक मिलना शुरू हो गई, ठीक है, तो लिंक आपको आपको मिल ही रही है, सबको मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है अभी तक लिंक्स, तो आप एक काम करेंगे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, आज टेलीग्राम ऐप होता है ना उस पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, फिर आपको भी लिंक मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।